हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिटी के टिवाड़िया चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पर ही बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ स्किन कैसे पा सकते हो, ये बताने वाली हूँ। बिल्कुल नर्म सी, मुलायम सी, चिकनी सी, सॉफ्ट सी बिल्कुल स्किन आप कैसे पा सकते हो, जैसे कि बिल्कुल हम अभी पार्लर से निकले हों ऐसी स्किन कैसे पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा कि आजकल जितनी भी क्रीम वगैरह आ रही हैं उन सब में हमारे बादाम जो होते हैं, आमंड जो होते हैं वो ज़रूर होते हैं, और साथ में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एलोवेरा, इसेंशियल ऑयल और क्रीम वगैरह, जो दूध की मलाई होती है वो सब बहुत कुछ होता है। तो बेस बेस्ट जो होता है, मतलब बेस जो होता है उस क्रीम का या फेसियल का, तो वो बादाम होते हैं। तो आज मैं आपको बादाम फेसियल करना बताने वाली हूँ। तो मैंने रात को बादाम सो करके रखे थे और मैंने इनको देखिए पीस लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। ये देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बन चुका है, मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको। तो हम इसी से अपना टोनर भी बनाएंगे, क्रीम भी बनाएंगे, मसाज क्रीम भी बनाएंगे, फेस पैक भी बनाएंगे, सब कुछ इसी से करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले मैं इसको छान लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से इसको छान सकते हैं और इसका ए टू जेड जो भी पार्ट है वो सारा हमारे काम का है। तो हमें इसमें से कुछ भी बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो मैं इसे छान लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बिल्कुल इसको जो नीचे का मिल्क निकल रहा है, इसको मिल्क ही बोलेंगे, हम इसको छान लेंगे और इस मिल्क की हेल्प से आप टोनर बना सकते हो, अपने डेली यूज़ में इसको ला सकते हो। बिल्कुल आप स्किन को वॉश करके इसके बाद आप इसको टोनर को यूज़ कीजिए, तो बहुत काम की चीज़ है ये। फेस पैक में भी हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल दूध जो हमारा है सेपरेट अलग हो चुका है। तो ऐसे एक छोटे से कंटेनर में आप जितना चाहे उतना दूध इसका ले सकते हो। उसमें आपको ऐड करना है विटामिन ई का कैप्सूल, हाफ ऐड करना अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो। उसके बाद आपको ऐड करना है इसमें एलोवेरा जेल और बिल्कुल मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और कॉटन की हेल्प से रोज़ आप इसको दिन में एक बार या दो बार आप स्किन पे लगाइए। ये टोनर बन गया है, बट इसमें आपको क्या है कि थोड़ा सा वाटर ज़रूर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी थिक है और हमें इसका बहुत सारा यूज़ करना है। तो जितना स्पून आप ये अपना मिल्क लोगे उतने ही स्पून इसमें वाटर ऐड कर लेना। तो फटाफट में ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे इसकी बहुत सारा यूज़ करना है, आप डेली भी इसको यूज़ कर सकते हो टोनर को, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो भी चीज़ मैं आज आपको बताना बता रही हूँ इसका आप डेली भी यूज़ करते हो, कर सकते हो मसाज क्रीम को छोड़कर, और हफ्ते में एक या दो दिन भी यूज़ कर सकते हो। तो फटाफट जो कुछ मैंने बताया वो बना लेती हूँ मैं पहले। तो एलोवेरा जेल मैंने इसमें ऐड कर लिया है और देखिए मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, तो बहुत ज़रा सा मैं इसमें डालूंगी अपना विटामिन ई का कैप्सूल और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं कॉटन की हेल्प से इसको बिल्कुल अपने फेस पर पहले लगा लूँगी, और आप चाहो तो इसे किसी स्प्रे बोतल में भी भर के रख सकते हो फ्रेंड्स, और डेली इसको यूज़ कीजिए, ऑसम रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। ये देखिए, फटाफट कॉटन की हेल्प से मैं इसे लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना टोनर यूज़ कर रही हूँ जो हमने बनाया है अभी। बस आपको ऐसे डिप करना है और अपने पूरे फेस पर लगा लेना है इसको, और मुश्किल से आपको 8-10 सेकंड के लिए इसको अपने फेस पर छोड़ना है, और उसके बाद हम अपना स्क्रब यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टोनर है, तो आपको इसको लगाने के बाद वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको दिन में दो बार ज़रूर इसको यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपना लेंगे बचा हुआ पार्ट, ठीक है। हम स्क्रब बनाने वाले हैं, तो आपको हाफ स्पून के करीब ये ले लेना है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग या अपने फेस के अकॉर्डिंग, एक जनों के लिए बना रहे हो, दो जनों के लिए बना रहे हो, ये देख के आप ले लेना। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर, ठीक है फ्रेंड्स। हम शुगर से बना रहे हैं, तो ये देखिए बहुत ज़रा सी शुगर चाहिए मुझे, ये देखिए हाफ स्पून के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप इसमें अपना विटामिन का कैप्सूल डाल सकते हैं, एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लेती हूँ और विटामिन का कैप्सूल हम अपनी मसाज क्रीम में डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ज़रा सा आपको डालना है, ये देखिए। आप फ्रेश वाला भी डाल सकते हो या मार्केट में जो मिलता है वो भी डाल सकते हो, दोनों में से ऑप्शन है, जो चाहे आप वो डाल लेना। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसे अपने फिंगर की हेल्प से ही मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल मैं इसे अपने फिंगर की हेल्प से ही मिक्स कर लेती हूँ, और बस मैं इसको अपने फेस पर जैसे हम अपना स्क्रब करते हैं वैसे ही बिल्कुल कर लूँगी। तो चलिए अपने फेस पर इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कैसे करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने स्क्रब कर लेते हैं जो हमने रेडी किया है और इसके ऑसम रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड्स। आप ज़रूर इसको यूज़ करके देखना, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं सारा मसाज कर लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ, वॉश करने के बाद आपको दिखाऊंगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैं पास से अपनी स्किन दिखाती हूँ, काफ़ी इफेक्ट पड़ा है इससे। देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए मैंने मुश्किल से 5 मिनट इससे मसाज किया है। आप पूरे 10 मिनट करोगे ना तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे अपनी मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम के लिए देखिए मैं पूरा विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो सारा का सारा ले रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी अपना एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अपने फेस के अकॉर्डिंग इसमें मिक्स कर लेना, और जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आप एक जनों के लिए बना रहे हो, दो जनों के लिए बना रहे हो, ऐसा देख के अपना ले लेना और इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ जाता है बहुत जल्दी। और इसके बाद हम अपना बचा हुआ जो हमारा पेस्ट है वो ले लेंगे। ये देखिए जितनी ज़्यादा आपको मसाज क्रीम बनानी है उतना ज़्यादा आप पेस्ट ले लीजिए, और आप इसमें इसेंशियल ऑयल अगर आपके पास हो तो वो भी डाल लेना। मेरे पास है टी ट्री इसेंशियल ऑयल, ये देखिए आपको क्लियर दिख गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको डाल लेती हूँ, बस 2 ड्रॉप ही काफ़ी है, 1-2 बस इतना ही काफ़ी है। बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देती है ये इसेंशियल ऑयल जो होते हैं ये सब। और ये देखिए बस इनको मिक्स करेंगे और बस अपने फेस पर इनसे मसाज कर देंगे, बहुत ही प्यारा सा निखार आने वाला है फेस पर। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, तो चलिए इसको फेस पर हम मसाज कर लेते हैं। मसाज के स्टेप मैं काफ़ी वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कैसे स्टेप हैं, और मसाज कम से कम आपको 10 से 12 मिनट या 15 मिनट करोगे तो बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, तो चलिए इसको फेस पर मसाज कर लेते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारे हमें फॉलो करने हैं, सब कुछ जैसे हमारा पूरा फेसियल होता है बिल्कुल वैसे ही करना है सारा, तभी हमारे फेस पर अच्छा सा निखार ग्लो आएगा। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपना मसाज कर लेते हैं जो हमने रेडी किया है अपना मसाज क्रीम। आप इसको फ्रेंड्स अगर हफ्ते में 2 बार ट्राई करोगे ना तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये देखिए, सॉरी थोड़ी सी लाइटनिंग की इशू हो सकता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, मसाज करने के बाद जो आपके प्रेशर पॉइंट होते हैं ना उनको भी आपको दबाना, प्रेस करना ज़रूरी है। तो देखिए मैं पहले बता देती हूँ आपको, मसाज कर लीजिए, मैं भी मसाज कर लेती हूँ पूरा 10-12 मिनट। इस बार मैं 15 मिनट तक कोशिश करूँगी मसाज करने की, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आप प्रेशर पॉइंट जो है वो कौन से हैं और उनको आपको कैसे प्रेस करना चाहिए ताकि वो आगे जाके आपके हेल्प करें किसी भी चीज़ में, आपकी स्किन में, आपके आपके हेड में, मतलब कि सर में अगर आपके दर्द वगैरह होता है तो उस चीज़ में भी वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो पहले मसाज कर लेती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाज मेरी सारी हो चुकी है। प्रेशर पॉइंट आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ से आपको प्रेस करते हुए यहाँ लाना है। ये देखिए यहाँ से ये जो आपकी स्किन लटक जाती है ना फ्रेंड्स, ये टाइट हो जाएगी। तो बार बार इसको मसाज करके रिपीट किया कीजिए। रात को आपको सोने से पहले भी अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, कोई भी ऑयल लगाकर, तो बेस्ट होगा। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जहाँ पर हम बिंदी टीका लगाती है यहाँ भी आपको प्रेशर डालना है यहाँ। ये देखिए, इसके बाद यहाँ से आपको ऐसे करके जाना है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा प्रेशर पॉइंट है ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये देखिए, और यहाँ हमारे कान के पीछे बिल्कुल जस्ट यहाँ पर आपको ऐसे प्रेशर डालना है। आई होप आपको क्लियर दिख गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं वॉश करी आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपना फेस पैक बनाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा बचा हुआ मिल्क है, हमारे आमंड का मिल्क, वही ले लेंगे। और आप इसमें चाहो तो रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जो वाटर होता है वो भी ऐड कर सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप की कोई खाली कंटेनर आपके पास पड़ा हो ना, तो आप उसमें जो भी आपका पार्ट बच गया है आप उसको भर सकते हो। जैसे कि मेरा ये मिल्क बचा हुआ है ज़रा सा, और जैसे कि मेरा पेस्ट बचा हुआ है ये, ठीक है। तो मैं इन सबको सेव करके रख लूँगी, नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करना होगा तब कर लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें मेरी मुल्तानी मिट्टी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये है मेरा, ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है मेरा मुलेठी पाउडर। मैं बहुत ज़रा सा मुलेठी पाउडर ऐड करूँगी। मैं अपने फेस पैक में भी मुलेठी पाउडर का यूज़ करती हूँ। तो देखिए, ये मैं देखिए चुटकी भर डालूँगी मैं, ज़्यादा नहीं। इसके बाद आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो अपना मुल्तानी मिट्टी, या फिर डाल सकते हो बेसन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुल्तानी मिट्टी जो है मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो आज मैं इसमें डालने वाली हूँ अपना हाफ़ स्पून के करीब, ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, हाफ़ स्पून के करीब मैं डालूँगी इसमें बेसन, ठीक है। बेसन बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन को ब्राइट करने के लिए, टाइट करने के लिए, ठीक है। तो टाइट करने के लिए बेस्ट है, आपको बेसन ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखिए, मैं इसमें ऐड करूँगी अपना बचा हुआ जो हमारा पेस्ट बचा हुआ है, वही थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। आप इसको डेली लगा सकते हो फ्रेंड्स, ये जो बचा हुआ है ना पैक, मैं जो बता रही हूँ आपको फेस पैक बनाना, आप इसको डेली लगाना तो और भी औसम रिज़ल्ट मिलेंगे आपको, बहुत ही अच्छे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं इसमें, आप डाल सकते हो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकते हो, एलोवेरा जेल डाल सकते हो। तो मैं डाल रही हूँ इसमें टी ट्री ऑयल, ठीक है। इसेंशियल ऑयल बहुत महंगे आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं इनके, तो आप इनको ज़रूर ऐड किया कीजिए। तो मैंने डाल ली है 4-5 ड्रॉप्स, बहुत बहुत छोटा सा छेद है इसमें, तो बहुत ज़रा सा निकलता है, इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना फ्रेंड्स। तो देखिए, पहले इसका मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, अगर ये थिक पेस्ट बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा और जो अपना मिल्क बचा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। तो अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा मिल्क जो है वो सारा लग चुका है, ये देखिए मेरा पेस्ट जो है बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे अपने फेस पर लगा लेती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें दिखाने का कोई मतलब नहीं है, फेस पैक सभी को लगाना आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं लगा लेती हूँ इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है। इसके बाद मैं 80% इसको सुखा लूँगी, और उसके बाद फेस वॉश करके इसका फाइनल लुक बताऊँगी आपको कैसा लग रहा है। मेरा बेसन जो है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा मोटा है, इस वजह से फेस पर रुक नहीं रहा है। आप पतला वाला पेस्ट बनाना, बिल्कुल मतलब कि पतला आप बेसन लोगे तो ये बिल्कुल आपके फेस पर आराम से चिपक जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फेस वॉश के बाद मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप वॉश कर लिया अपना फेस पैक, और देखिए आप देख सकते हैं क्लियर आपको दिख रहा होगा फेस पे ग्लो कैसा आ गया है। तो जब भी आप फेशियल करते हो उसके बाद, सब कुछ करने के बाद, आपको कोई भी मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है अपने फेस पर, ताकि जो भी हमने करवाया है वो स्टे रहे, बिल्कुल फिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप मेरा वीडियो देख सको। इंस्टा पर भी फॉलो करना हमें, इंस्टा की आईडी है सृष्टि क्रिएटिव गार्डन। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।